सरों का। हरियाणा महासंघ के कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर सौंपा गया। बदायूं के बेटे का गणतंत्र दिवस परेड में हुआ सिलेक्शन, उत्तर प्रदेश का करेंगे प्रतिनिधित्व। देवरिया में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने खोला मोर्चा, सदर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। रायबरेली में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, चैन स्क्रैचिंग करने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा। कुशीनगर में स्वर्गीय हरिहर प्रसाद की मनाई पुण्य स्मृति, बड़ी संख्या में जनता रही उपस्थित। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। खबर लखनऊ से है, जहां जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यूपी में 10 फरवरी से 12 फरवरी तक आयोजित होगी। वहीं सभी जिलों में जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट कराने के निर्देश मुख्यमंत्री जी की ओर से दिया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी ने बहुत अच्छा काम हुआ है। उन्होंने कहा कि जो निवेशक लखनऊ में पहली बार आ रहे हैं उनको गाइड किया जाएगा, साथ ही जमीन लेने वाले निवेशकों को सभी प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा। एमएसईएम के 3,000 करोड़ के प्रस्ताव पास हुए हैं, जिसमें 110 निवेशक शामिल हैं। साथ ही 1,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आईआईए की तरफ से आया है। प्रतिबद्धता हुई है करीब 16,000 करोड़ रुपए का। हमारे पास जो इन्वेस्टर्स हैं, इंटीग्रेटेड हाईटेक टाउनशिप के अदर इन्वेस्टर्स हैं, उनको कल तक सूचीबद्ध कर लिया गया है और उनके साथ हम लोग निवेश शार्थी पे प्रोसीड कर गए हैं और उनके साथ एमओयू हम लोग कल, जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि कल उनके साथ एमओयू होगा और हमारा लक्ष्य है कि और मैक्सिमम इससे किया जाए और आज शाम तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स हम लोग सूचीबद्ध करेंगे और उनको कल एमओयू के साथ किया जाए। जब इन्वेस्टर्स के साथ में इंटरेक्शन करेंगे उसके लिए जो यहाँ पर इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं उन सबको इनवाइट किया गया है। प्रमुखतः जो यहाँ CII है या IIA है या PhD चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, फिक्की है, इस तरह के जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं उन सबके साथ हमने एक राउंड मीटिंग किया था, जिसमें सभी इन्वेस्टर्स, उनके जितने भी मेंबर्स हैं, उनके माध्यम से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट के इच्छुक लोग हैं वो कल पार्टिसिपेट करेंगे। रायबरेली के सलोन तहसील अंतर्गत पृथ्वीपुर ग्राम सभा में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जहां ग्राम पंचायत सचिव और उच्च अधिकारी सहभागिता से विकास कार्यों में बड़ी मात्रा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पृथ्वीपुर ग्राम सभा निवासी सुनील कुमार मिश्रा ने CM जन सुनवाई पोर्टल पर सड़क निर्माण, नाली और विकास कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर ग्राम सभा सचिव विजय सिंह और उच्च अधिकारियों ने कच्ची सड़क को खड़ंजा निर्माण दिखाकर आख्या रिपोर्ट प्रेषित की। पहले भी एक समाज सेवक ने ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ जिलाधिकारी को लिखित प्रार्थना पत्र देकर प्राथमिक विद्यालय पृथ्वीपुर में निर्माण कार्य में उपयोग की जा रही घटिया सामग्री का आरोप लगाया था, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से उचित कार्रवाई नहीं की गई। नाम और परिचय। हमारा नाम सुनील कुमार मिश्र, ग्राम सभा पृथ्वीपुर। पिता का नाम जमुना प्रसाद मिश्र। किस विकास खंड से हैं आप? सलोन विकास खंड से, ग्राम सभा पृथ्वीपुर। क्या समस्या है, पूरा मामला बताइए। समस्या तो कोई सुनता नहीं जी, प्रधान से कह कह के समस्या के बारे में परेशान हो गए। फिर हमने समस्या से परेशान होकर के CM हेल्पलाइन नंबर पर कंप्लेंट किया जी, तो CM हेल्पलाइन नंबर से हमको आश्वासन मिला कि आपका काम किया जाएगा और काम चालू किया गया जी। किस काम के लिए? नाली और खड़ंजा निर्माण के लिए, रास्ता हमारा बंद किया जा रहा था जी। तो बनाया तो गया नापदान, लेकिन अंडरग्राउंड बना के घुमा फिरा के बना दिया गया और रास्ते को यथास्थिति छोड़ दिया गया उसी हालात पे। और खड़ंजा निर्माण हुआ कि नहीं? नहीं हुआ, लोगों के दबाव में आके नाली का निर्माण रोक करके और खड़ंजे का भी निर्माण रोक दिया गया।
खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव रायबरेली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने स्टेडियम में बने अत्याधुनिक जिम का उद्घाटन किया। साथ ही जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे यूपी के स्वतंत्र प्रभार मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब में सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश यादव को जनता ने नकार दिया है। स्वास्थ्य से जुड़ी है, स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है और स्वास्थ्य अच्छा रहे इसकी चिंता हमारे खेल मंत्री जी ने की है। मैं रायबरेली वासियों की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार के खेल मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस जिम से लगातार हमारे रायबरेली के शहरी ग्रामीण बच्चे भी आकर के अपने स्वास्थ्य को मजबूत करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर दुनिया में रायबरेली का और उत्तर प्रदेश सरकार का नाम करेंगे। आज ये रायबरेली में जिम का एक तरह से कहा जाए लोकार्पण विक्रम सर सर और इस जिम से रायबरेली वासियों को अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए और तमाम तरह की बीमारियों से बचने के लिए बहुत बड़ा एक तरह से कहा जाए जिम सार्थक साबित होगा। खबर अयोध्या से, जहां केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री अवनीश चौबे रामलला पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन पूजन, जिसके बाद सरातगंज स्थित फार एवर लॉन में आयोजित अयोध्या महोत्सव के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं इस दौरान मंत्री ने बताया कि भगवान रामलला के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने जो संकल्प लिया, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये संकल्प अब पूरा होने जा रहा है। वहीं प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए मंत्री ने कहा कि दिल्ली और देश के कई शहरों में बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि प्रदूषण को मुक्त करने के लिए बनाई गई हैं और राज्य सरकार के इस सहयोग से इस पर कंट्रोल करने का प्रयास हो रहा है। संपूर्ण देशवासी और पूरे विश्व के लोग रामलला का दर्शन करने यहाँ आएंगे तो भगवान राम के जीवन के आदर्शों के अनुरूप कैसे इस समाज को ढाला जाए, कैसे इस राष्ट्र को सांस्कृतिक राष्ट्र का उत्थान कैसे हो। और जो आज ये आप देख रहे हैं कि अयोध्या का जो महापर्व है अयोध्या महोत्सव, इसको मनाने के लिए जो न्यास के द्वारा ये प्रयास चल रहा है बरसों से, हमारे हरीश जी श्रीवास्तव और सभी आयोजक मंडल को मैं बधाई देता हूँ कि आपने भगवान राम के दैहिक दैविक भौतिक तापा का, उनके जीवन के आदर्शों के अनुरूप, उनके श्री राम के समरसता का जीवन, न्याय दर्शन का, श्री राम का जो लोकतंत्र में राजा राम का जो स्थान रहा है, सबके लिए राजा राम, ऐसी मर्यादित बातों को हम देश भर में स्थापित करेंगे। हरदोई के सांडी इलाके में ट्रैक्टर में ईंट भरकर जा रही थी, जो कि विद्युत पोल से टकरा गई, जिसके विद्युत पोल टूटकर पास के मासूम के ऊपर गिर गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी होने पर परिजनों में कोहराम मच गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरे मामले में पुलिस पड़ताल के साथ ड्राइवर की तलाश में जुटी है। थाना सांडी क्षेत्र में नीभापुर गांव के अंतर्गत एक ट्रैक्टर ट्राली बैक करते हुए एक विद्युत पोल से टकरा गई। दुर्घटनावश एक पोल गिरने से बच्चे की मृत्यु हो गई है, 9 वर्ष का बच्चा है जिसकी मृत्यु हो गई। उस बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया है और वादी पक्ष से तहरीर प्राप्त करके उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। चूँकि ट्रैक्टर चालक पहले ही फरार हो गया था तो उसके गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। फरीदाबाद में पिछले लंबे समय से हरियाणा महासंघ के कर्मचारी सरकार से अपनी मांगें पूरी करने के लिए कह रहे थे, जिसको लेकर कर्मचारियों ने हरियाणा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया है और सीटीएम को मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। साथ ही कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर लघु सचिवालय पर अपना जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है, जिसके बाद सभी कर्मचारी जिला उपायुक्त के कार्यालय पहुँचे और सीटीएम अमित मान को मुख्यमंत्री के नाम से अपना मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा। अगर सरकार नहीं जागी
निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि आने वाला हमारा अगला कार्यक्रम हिसार कमिश्नरी पर 20 जनवरी को है और इसी तरह के कार्यक्रम हमने 6 महीने के कार्यक्रम सरकार के बना रखे हैं, जिसमें अंतिम पड़ाव में हम 9 अप्रैल को अम्बाला में एक राज्य स्तरीय बड़ा कन्वेंशन, बहुत बड़ी रैली, जिसमें प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को एकजुट कर सरकार को ये बताना चाहेंगे कि अब अगर सरकार कर्मचारियों को कुछ देने के मूड में नहीं है तो कर्मचारी वर्ग से भी किसी प्रकार की उम्मीद ना रखें। आने वाले समय में जिस प्रकार पूर्व में इस सरकार के प्रदेश अध्यक्ष और 8 मंत्रियों को हार का सामना देखना पड़ा, आने वाले समय में इस सरकार की जमानत जब्त करने का हम काम करेंगे। अलीगढ़ के ब्लॉक इगलास में क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत सदस्यों ने एक वर्ष पूरा होने पर पोस्ट मीटिंग का आयोजन किया है। कार्यक्रम में महत्वाकांक्षी योजनाओं, सरकार की योजनाओं और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के लाभान्वित करने के उद्देश्य पर चर्चा की गई है। बड़ी संख्या में ग्राम क्षेत्र पंचायत सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में अधिकारियों के शामिल नहीं होने पर सांसद राजवीर दिलेर नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए। आज यह ब्लॉक की वर्षीय मीटिंग होती है, एक साल बाद जो मीटिंग होती है, सभी क्षेत्र पंचायत के सदस्य और ग्राम प्रधान आए थे। उस मीटिंग में जो मीटिंग इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग में इन अधिकारीगणों को यहाँ आना चाहिए। अधिकारीगण यहाँ बहुत कम आए हैं, ये बड़ा दुख का विषय है। जो योजना प्रदेश और केंद्र की, हमारी योजना ग्राम प्रधान पी डी सी को द्वारा गाँव गाँव तक पहुँचनी चाहिए, उनका लाभ किसान को मिलना चाहिए, गांव के मजदूर को मिलना चाहिए। वो लाभ इनको नहीं मिल पाएगा क्योंकि अधिकारीगणों का आए नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने इनको बोला है, अधिकारियों को रिमाइंडर दीजिए, सारे अधिकारीगण गाँव 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 घर घर तक योजना। संभल में ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत में कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है और ट्रक चालक टक्कर मारकर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया। बताया जा रहा है कि घने कोहरे के कारण यह भिड़ंत हुई थी। पूरा मामला चंदौसी संभल लिंक रोड गांव अकरोली का है। रायबरेली में पुलिस की सक्रियता से महिलाओं का एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया है जो राह चलते महिलाओं की चैन स्नेचिंग करता था। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत डिग्री कॉलेज चौराहा का है, जहां ऑटो से बाजार जा रही एक महिला के साथ 4 महिलाएं ऑटो सवार हो गईं और महिला को घेर कर बैठ गईं। ऑटो जैसे ही आगे बढ़ा, ऑटो में बैठी एक महिला ने उस महिला के गले से सोने की चैन छीन ली। दिन दहाड़े हुई इस घटना से हड़कंप मच गया। बता दें कि शहर कोतवाली पुलिस की टीम ने सभी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है और महिलाओं के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऑटो में जब बैठे हम लोग, तो ऑटो से थोड़ी दूर आगे आए हैं, बीमार से आगे आए हैं, तो ऑटो दो लोग पहले आए, तो दो लोग के लिए तो ऑटो में जगह हो गया और इसके बाद ये लट्ठा सारी औरतें बैठने लगी। तो फिर पीछे से औरत आई ना, तो यहाँ जैकेट बंद और अंदर से ऐसे हाथ डालने लगी, तो हमसे तो ठंडा ठंडा क्यों लग रहा था। पीछे देखे खबर रायबरेली से, जहां केंद्र सरकार की योजना गंगा एक्सप्रेसवे के तहत किसानों से जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। इसी योजना के संदर्भ में जमीन की जांच करने गए लेखपाल पर हमला हुआ और राजस्व अभिलेखों को फाड़ने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि सलोन तहसील में तैनात लेखपाल IGRS के तहत गंगा एक्सप्रेसवे की ज़मीन के लिए गांव गए थे, जहां गांव के दबंग लेखपालों पर हमला बोल दिया गया और अभिलेख छीनने लगे। हमले में लेखपाल को चोट आई है, जिसके बाद लेखपाल ने उच्च अधिकारियों के साथ साथ दबंगों के खिलाफ लिखित तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की। कमालापुर से जो होके गंगा गई है, तो राम सुंदर श्याम सुंदर हैं, उनकी ज़मीन वहाँ जो है गंगा एक्सप्रेस के संरक्षण रेखा में जा रही है। तो इसके संबंध में जो है बेनामी के लिए उनसे कई बार पहले कहा गया था, तो लोग कहे कि हमारी ज़मीन नहीं जा रही, ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन ली जा रही है। तो कई बार शिकायतें प्रार्थना पत्र दिए थे, तो उनका जवाब लेके गया, फिर पुनः दिए, तो हम राजस्व निरीक्षक महोदय के साथ जो है एसडीएम साहब ने कहा कि राजस्व निरीक्षक महोदय को लेके जाइए, एक बार समझा दीजिए उनको, बता दिए सही चीज़। तो अभिलेख लेके हम उनको मतलब बताने गए, जाँच में भी गए थे और बताने भी गए थे। तो मतलब राम सुंदर श्याम सुंदर तो नहीं बाहर है, उनके लड़के अशोक कुमार यादव जी हैं,
वो जो है उनको बुलाया गया, आए आते ही जो है मतलब कहने कि आप लोग चोर हुए हैं, दुनिया भर का ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन ले रहे हो, फर्जी अभिलेख बनाए हो, तो वे समझाते ही रहे। तो उसके बाद हमारे साथ मारपीट करने लगे, गाली गलौज करने लगे। खबर मैनपुरी से, जहां NS2 पर जयपुर से वाराणसी जा रही सरसों के तेल से भरे ट्रक को अज्ञात लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मैनपुरी पुलिस के नेतृत्व में बनी टीम ने लूट की वारदात में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और फरार चल रहे अन्य 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने प्रेस वार्ता कर लूट का खुलासा किया और आरोपियों की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लुटेरों ने करीब 55 लाख की लूट को अंजाम दिया है। सभी शातिर अपराधी हैं जिन पर अन्य थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर विधि कार्रवाई अमल में लाने की जानकारी दी है। 30 तारीख को NH से एक ट्रक लूटा गया जो जयपुर से वाराणसी सरसों का तेल लेके जा रहा था। हिमानी ब्रांड का ये तेल था। तेल की कुल कीमत 30 लाख रुपए, 25 लाख रुपए का ट्रक अर्थात 55 लाख रुपए की लूट हुई और लुटेरों ने इनको पकड़ करके जालौन के कदौरा क्षेत्र में डाल दिया था। वहां अभियोग पंजीकृत किया गया, वहां से विवेचना यहां ट्रांसफर हुई। 5 टीमें इसमें बनाई गई। 5 टीमों द्वारा इसमें लगातार प्रयास करके 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से लूटा गया ट्रक और वो 30 लाख रुपए का सरसों का तेल, साथ ही एक होंडा सिटी गाड़ी जिससे इन्होंने लूट की घटना कारित की थी और घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्राली ये बरामद हुआ है। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 को सफल बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग तैयारियों में लगा हुआ है, जिसको लेकर 11 जनवरी को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में जुड़े निवेशकों और इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के साथ निवेश पर चर्चा का आयोजन किया गया है। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी प्रतिभाग करेंगे। कुशीनगर में हाटा तहसील में बरनवाल परिवार ने स्वर्गीय हरिहर प्रसाद बरनवाल की पुण्य स्मृति पर विधिक विधान से कार्यक्रम का आयोजन किया है। मुख्य अतिथि महामंत्री विश्व हिंदू महासंघ प्रतीक बरनवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाज सेवा धर्म निसहायों की मदद पुण्य काम है। उन्होंने स्वर्गीय हरिहर प्रसाद को याद करते हुए कहा कि जब तक हमारे समाज हरिहर प्रसाद जैसे धर्मात्मा उपस्थित रहेंगे, मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा। कार्यक्रम में अहिर बरन सेना के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र बरनवाल समेत विशिष्ट अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे उपस्थित रहे। हमीरपुर में परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा माह के तहत मुख्यालय के राजकीय महिला महाविद्यालय में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया है। साथ ही इस आयोजन में महिला विद्यालय महाविद्यालय की छात्राओं को सड़क सुरक्षा से संबंधित यातायात के नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया, जिससे कि जिले में हो रहे सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। साथ ही परिवहन विभाग ने जिले भर में सड़क सुरक्षा के नियमों के विषय में बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक किया है। वहीं परिवहन विभाग से जारी निर्देशों के अनुसार सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए यह सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। बता दें कि यह कार्यक्रम 5 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में लोगों को जागरूक किया जाएगा। आज हम लोग उच्च शिक्षा वर्ग के विद्यार्थियों के बीच यातायात नियमों, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में बदलाव एवं प्राइमरी एड की सड़क दुर्घटनाओं के पश्चात कैसे उनको प्राइमरी एड दें, इसके बारे में छात्र छात्राओं से हमने चर्चा की और उनको। देवरिया में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नगर निकाय चुनाव में OBC का आरक्षण लागू करने के लिए सुभाष चौक पर धरना देकर प्रदेश बंद का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि OBC से अलग हिस्सा ट्रांसजेंडर को दिया जाए, जिसके बाद जिला संयोजक ने सुभाष चौक पर धरना देकर नगर निकाय चुनाव में OBC का आरक्षण बचाओ नारा देते हुए भाजपा भगाओ, OBC की जाति आधारित जनगणना कराओ एवं EVM हटाओ देश बचाओ का नारा दिया है। साथ ही 2 सूत्री मांगों को लेकर सदर SDM सौरभ को ज्ञापन भी सौंपा। ये OBC के आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं,
तो साथियों अगर संविधान ये सरकार नहीं मानती है, अगर हमारी हिस्सेदारी 4-5% है, अगर संविधान के तहत लागू करने का काम नहीं करती है तो ये संगठन बैठने वाला नहीं है। और कहने का मतलब ट्रांसजेंडर की जो बातचीत चल रही है, अभी 27% में से हमको 4-5% मिला है, तो ट्रांसजेंडर मिलाने की कहाँ बात है। इस सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर ये आपका संविधान नहीं होता, आरक्षण का प्रावधान नहीं होता, ओबीसी को 52% के बजाय 27% मिला, और आप लोगों ने देखा जिनकी सरकार है उनका दर्द मुश्किल से 24 घंटे में उनको 50% पर अभी हजम नहीं हुआ, फिर ईडब्ल्यूएस करके उनको 10% और दिया गया, इससे गहरी साजिश क्या। खबर बांदा से, जहां कोतवाली नगर के सुहाना कहला खदान में चल रहे अवैध खनन से किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। किसानों ने आरोप लगाया है कि बालू माफिया प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से बड़ी संख्या में अवैध खनन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराया है पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। सबकी मिली भगत है, दिन रात चल रही है, दिन रात चल रहा है। तो ये तो कह रहे निजी भूमि से है, नदी से, तो नदी के टच में है, तो नदी से लेके आते हैं, नदी नदी के बिल्कुल टच में, वही खोदा है, सात बीघा का पट्टा किए है और 14 बीघा खोदा है। अच्छा, सात बीघा का पट्टा किए हैं और 14 बीघा जमीन खोदी गई है। और क्या क्या परेशानी है यहाँ के लोगों को? यहाँ के लोगों की, अरे ये कल्लू ये बेचारा जो है, ये गरीब व्यक्ति है, ठेला फट गया था, गिट्टी लग गई है, 3 महीने से बेचारा पड़ा हुआ है। कहाँ है ये? यहाँ पर अभी 2 बार ऑपरेशन हुआ बेचारे का। उसको कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं की गई। यहाँ के जो कर्मचारी जो कर्मचारी करते हैं काम करते हैं उनको आज तक 3 महीने से कोई पैसा नहीं दिया गया है। हुआ अंदर खदान चलती है क्या? जी सुहाना पर। कौन सी खदान है ये? जी सुहाना खदान है। तो कहाँ से लाते हैं ये लोग बालू? खदान से लाते हैं सुहाना की। नदी से? नदी से नहीं लाते। हाँ, तो वहाँ रखी है क्या बालू? क्या निकली है खेत में। अच्छा, ट्रक व्रक चलते हैं खूब? सब चलते हैं। ऊपर तक लद के निकलते हैं? ऊपर तक, हाँ मतलब बराबर जाते हैं, पूरे भर के ऊपर तक जी। बदायूं में किसान परिवार का बेटा अंकित शुक्ला इस गणतंत्र दिवस दिल्ली में होने वाली परेड में कदम ताल करते हुए दिखाई देगा। बता दें कि अंकित शुक्ला शहर के लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए द्वितीय का छात्र है, साथ ही एनसीसी के कैडेट सीनियर अंडर ऑफिसर है और वो गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व करते रहेंगे। बता दें कि अंकित शुक्ला के पिता मनोज शुक्ला एक साधारण किसान हैं जिसके लिए यह गर्व का क्षण है। मैं नाका निवासी हूं, जनपद मुरैना, 8 MP एनसीसी बटालियन का कैडेट हूं। मैं लगातार 3 महीने से बहुत ही कठिन परिस्थिति करते मेहनत कर रहा था, कल्चर प्रोग्राम और ड्रिल टेस्ट, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है RDC, जो राष्ट्रीय पब्लिक डे कैंप व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के उपलक्ष्य में होता है दिल्ली में, वहां पर मेरा जो है कि सिलेक्शन हुआ है। जनपद व पूरे प्रदेश व देश में गर्व है कि हमारे देश के ऐसे लाल जो हमारे इस प्रकार से दिल्ली में अपने अंदर जो खूबी है वो कला करके दिखाएंगे। वहां पर हम लोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी के साथ में ड्रिल करेंगे उनके, और उसके बाद हम लोगों का 28 तारीख को समापन होगा, उसके बाद हम लोग उनके साथ लंच करेंगे। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को पुनः लागू करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान किया है। घंटाघर पार्क से जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है और जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। पिछड़ा मोर्चा के सदस्य मदन कश्यप ने बताया कि हाईकोर्ट ने सरकार के दबाव में ओबीसी आरक्षण समाप्त कर निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णमूर्ति बनाम भारत सरकार मामले, विकास किशन लाल गवली बनाम भारत सरकार मामले में दी गई गाइडलाइंस का पालन करें, निकाय चुनाव पर रोक लगाई है और सरकार से निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की बात कही। उन्होंने ओबीसी आरक्षण में ट्रांसजेंडर को शामिल किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि ट्रांसजेंडरों को ओबीसी में शामिल करने के स्थान पर उनके लिए अलग से कोटा निर्धारित किया जाए। ये ओबीसी के आरक्षण को निकाय चुनाव में समाप्त करने के संदर्भ में माननीय चौधरी विकास पटेल जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में ये कॉल बुलाया गया था कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को बहाल किया जाए, इसलिए हम लोग उत्तर प्रदेश बंद कर रहे हैं माननीय चौधरी विकास पटेल जी के आह्वान पर। मैं मदन कश्यप, भारतीय युवा मोर्चा,
और राष्ट्र पिछड़ा वर्ग मोर्चा का कन्वेनर हूँ। ये धरना प्रदर्शन आप जानते ही हैं कि ओबीसी क्लास को जो रिजर्वेशन हाईकोर्ट से रद्द किया है और वो बीजेपी की सरकार के द्वारा सही पैरवी न करने की वजह से किया गया है, तो उसी के सिलसिले में ये उत्तर प्रदेश बंद बुलाया गया है। उसी सिलसिले में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, क्योंकि आप जानते हैं कि मुसलमानों की भी एक बहुत बड़ी आबादी, लगभग 95% आबादी जो है वो ओबीसी की है और वो भी इस निर्णय से प्रभावित हो रही है, तो उसी के सिलसिले में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा भी अपने ओबीसी गैर मुस्लिम ओबीसी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस भारत उत्तर प्रदेश बंद में शामिल है। जी, आज ये नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण बहाल करने के संदर्भ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा द्वारा ये जिला अधिकारी महोदय को ये ज्ञापन दिया गया है और इसमें मांगी की गई है कि इन्हें ओबीसी आरक्षण आने वाले निकाय चुनाव में इनको चाहिए और साथ ही ट्रांसजेंडर को भी ओबीसी से अलहदा किया जाए। इन्होंने राज्यपाल महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय के थ्रू। अलीगढ़ में पुलिस की बड़ी लापरवाही दिखी है। बता दें कि लूट की सीसीटीवी वीडियो के बावजूद भी पुलिस ने 14 महीने में भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। यह पूरा मामला थाना सासनी गेट पुलिस का है, जहां एक युवक का मोबाइल स्कूटी सवार बदमाश लूट कर ले गए थे, जिसकी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पीड़ित अब पुलिस थाने के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। अखिलेश प्रधान जी, और कौन सा थाना क्षेत्र का मामला है मालूम है? थाना प्रभारी कौन था उसमें? नहीं जानते। तुम कौन से क्षेत्र में रहने वाले हो? घटना कहाँ हुई थी? खबर अलीगढ़ से है, जहां एक बार फिर गहरे गड्ढे होने के कारण गाड़ी पलट जाने की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि कैंटर चालक धान के बोरे लादकर दिल्ली की तरफ ले जा रहा था, जहां मानकपुर खुर्द के पास अलीगढ़ पलवल रोड में गहरे गड्ढे होने के कारण गाड़ी पलट गई, जिसके चलते हजारों रुपये के सामान का नुकसान हुआ। वहीं राहगीरों ने बताया कि 10 दिन में गाड़ी पलटने की यह तीसरी घटना है, मगर इन सड़कों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पलवल अलीगढ़ से पलवल रोड पे गड्ढे हो रहे हैं, गड्ढे होने के कारण गाड़ी पलट गई है। 3 गाड़ी पलट गई 4 दिन में। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये गड्ढे हैं रोड, पीडब्ल्यूडी विभाग को इस पर तवज्जो नहीं दे रहा, बिल्कुल ध्यान नहीं चाहते पे चाहता। ये गाड़ी अलीगढ़ की है। क्या लेके जा रही थी गाड़ी? धान लेके जा रही थी नरेला दिल्ली के लिए। जी, रोड पे गड्ढा है, गड्ढे की वजह से गाड़ी पलटी हमारी। अच्छा, कौन सा रोड है ये? ये आपका अलीगढ़ से टप्पल रोड। आप क्या ले जा रहे थे गाड़ी में भर करके? धान। कहाँ से भर के लाए थे? अलीगढ़ मंडी से। कहाँ ले जा रहे थे? दिल्ली। अच्छा अच्छा, किस जगह ये पलटी है गाड़ी तुम्हारी? ये आपकी खैर से 2 किलोमीटर आगे पलटी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस